अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो पीपीएससी लेक्चरर का जो पेपर आया था कंप्यूटर साइंस का, उसके क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे जो ओरिजिनल पेपर में आए थे 8 नवंबर 2020 को। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम पेपर शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैं आया था तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो तकरीबन इसमें 60% क्वेश्चन जो है आपसे ओरिजिनल पेपर के शेयर किए जाएंगे। तो पहला इसमें सवाल यह आया था, राउंड 1.662 2.0 विच फंक्शन इज यूज, इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता था। इसके लिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी था सीओएल फंक्शन इस्तेमाल होता है 1.66 को 2.0 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक हो गया, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या थी, ये वाली सीओएल। अगला क्वेश्चन आया था इसमें कि व्हाट विल हैपन इफ न्यू प्रोसेस इंटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर नया प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर होता है तो क्या होता है। स्टैक इंक्रीमेंट हो जाता है 2 से या फिर डिक्रीमेंट हो जाता है 2 से। तो इसका सही आंसर था स्टैक डिक्रीमेंट बाई 2। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन था, व्हेन एनी रिसोर्सेज डू आईओ ऑपरेशन एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल देन ही विल गो इन विच क्यू, जब कोई रिसोर्सेज आईओ ऑपरेशन करता है तो उस रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो वो रिसोर्सेज किस क्यू में चला जाएगा, वेटिंग क्यू में चला जाएगा, वेटिंग स्टेज में चला जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर था वेटिंग स्टेज या वेटिंग क्यू वाला। अगला क्वेश्चन था, बर्थ एयर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजूर पाक सल्लम की बर्थ एयर का क्या नाम था, उसका नाम था आमुल फील। ठीक है ना, हाथियों वाला साल। अगला क्वेश्चन आया था, होर्स शू बी लोकेटेड इन, होर्स शू बी कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका जवाब था यूएसए, यूएसए में पाई जाती है। सिम का एब्रीवेशन पूछा गया था, सिम स्टैंड फॉर था सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। ठीक हो गया, ये ऑप्शन में था वहाँ पर। अगला था डीएसएल स्टैंड फॉर, डीएसएल का ऑप्शन में था, सही ऑप्शन इसमें था डिजिटल सब्सक्राइबर लूप। तो आपको मैं इसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको लीव कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। तो DSS स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लूप। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन था, रेड RAID स्टैंड फॉर, इसका एब्रीवेशन पूछा था तो इसका मतलब था रिडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, रिडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क इसका एब्रीवेशन था। अगला क्वेश्चन था, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका उर्दू का क्वेश्चन था, इसमें इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है। ठीक है ना, ये वाली ऑप्शन सही थी। अगला क्वेश्चन थी, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल इसमें क्या था, ब्यूटीफुल ड्रेस ब्यूटीफुल इसमें था एडजेक्टिव, यानी जो किसी के अंदर इजाफा करता है किसी खूबी के अंदर तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक हो गया। मनकूद हरूफ की तादाद उर्दू में कितनी है, तो इसकी तादाद थी 17, तो 17 वाली ऑप्शन इसमें सही थी। अगला क्वेश्चन आया था पेपर में, लिटरल मीनिंग ऑफ सलात, सलात के मीनिंग क्या हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो वर्शिप की हैं। तो मेरे ख्याल में इसके मीनिंग नाम थे क्योंकि सलात का मतलब प्रेयर दुआ के भी आते हैं। इसके करेक्ट लूप, करेक्ट लूप की स्टेटमेंट पूछी गई थी पेपर में, वो थी 4 int 1 semicolon i < 10 semicolon i++, ये करेक्ट लूप की स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था मॉडुलस के बारे में, के एक्स मॉडुलस 2, इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर क्या आना था, तो इसका आंसर आना था 0। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन था, नेम हिंदूकश हाइएस्ट पीक, हिंदूकश की हाइएस्ट पीक का नाम पूछा गया था, हाइएस्ट पीक का नाम क्या था, तुर्चमीर इसकी हिंदूकश की हाइएस्ट पीक है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आया था, वन यूनिट अक्कर इन पाकिस्तान प्रोवेंस हिस्ट्री, वन यूनिट पाकिस्तान हिस्ट्री में कब हुआ था, तो इसका सही जवाब था 1955 में वन यूनिट हुआ था पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक सूबा बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, विच इज़ अ नॉट इंटरकनेक्टेड डिवाइस, इसमें इंटरकनेक्टेड डिवाइस कौन सी नहीं है, स्विच ब्रिज या राउटर, इसमें से कोई भी नहीं है, नहीं तमाम जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज हैं जो नहीं है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है। एनालॉगी ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की एनालॉगी क्या है, रियल लाइफ मिसाल दी गई है, तो फैक्ट्री एनालॉगी थी क्लास, क्लास जो है एनालॉगी है फैक्ट्री की। अगला क्वेश्चन आया था, वाइस चेंज का, वाई वाज आई एम नॉट इन्वाइटेड बाई हिम, मुझे उसने क्यों इन्वाइट नहीं किया, तो इसको इसकी पैसे वाइज इसका बनाना था, तो इसका था वाई ही हैड ही नॉट इन्वाइटेड टू मी, ये था 17 a² + 4 a² इसका आंसर क्या था, जमा करना था
इसकी पावर सेम रहती है और वेरिएबल जमा हो जाते हैं 21, कॉन्सोनेंट जमा हो जाते हैं 21 हो गया ये आंसर था इसका। इफ रिकॉर्ड वैल्यू इन अ डाटा बेस आर एम्प्टी देन व्हाट विल असाइन टू दैट रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड वैल्यू कोई भी उसके सेल एम्प्टी रह जाता है तो उसकी वैल्यू क्या असाइन की जाएगी, नल साइन की जाएगी। ठीक हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी नल होगी, नल वाली ऑप्शन सही थी। व्हाट इज़ द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इनमें से कौन सी है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जनाब ट्री, ट्री है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ट्री वाली ऑप्शन इनमें सही थी। अगला क्वेश्चन आया था 6 + 27 और 3 + (3) तो इसको आंसर अगर आप डी मास फार्मूले के साथ करें, यानी पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, तो इसका आंसर बनता था 33, तो 33 वाली ऑप्शन सही थी। अगला क्वेश्चन था विच लेवल ऑफ डी एफ डी शो कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम, कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम किस लेवल में शो होती है, तो इसका राइट ऑप्शन था हमारे पास लेवल ज़ीरो। ठीक हो गया, लेवल ज़ीरो में डी एफ डी की कम्प्लीट फंक्शनैलिटी शो की जाती है एक सिंगल इंस्टांस के तौर पर। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम पूछा गया था पेपर में, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम था कैल्शियम हैपोक्लोराइड, कैल्शियम हैपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है। यूआरएल कंसिस्ट हाउ मेनी पार्ट, यूआरएल में कितने हिस्से होते हैं, तो इसका सही आंसर था 5 पार्ट। ठीक हो गया ना, 5 पार्ट इसके अंदर होते हैं, स्कीम सब डोमेन टॉप लेवल सेकंड लेवल डोमेन सब डायरेक्टरी, ये सब किसके पार्ट हैं, यूआरएल के। करेक्ट इनिशिएशन ऑफ एरे पूछा गया था, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इंट एरे ये ब्रेसिस इक्वल टू आगे कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 सेमीकोलन, ये करेक्ट इनिशियलाइजेशन है एरे की, ये वाली ऑप्शन सही थी। अगले था मलेरिया इफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी, मलेरिया किस हिस्से के जिसम के किस हिस्से को इफेक्ट करता है, तो इसका सही जवाब था स्प्लीन, स्प्लीन को इफेक्ट करता था, तो बाकी ऑप्शन सब भी गलत थी, स्प्लीन वाली राइट ऑप्शन थी। अगला क्वेश्चन था इसमें एथेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, एथेन किस मुल्क में है, तो इसका राइट ऑप्शन था एथन है ग्रीस, ग्रीस के मुल्क में है यूनान में। डिफ़ॉल्ट मिनिमम मैक्सिमम साइज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में मिनिमम मैक्सिमम साइज कितना है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट तो था 1 और 72। ठीक है ना, जो सपोर्टेड है, सपोर्टेड जो है इसमें 1 to 1638 है, यानी 1 से लेकर 1638 और डिफ़ॉल्ट ये वाला है, तो बहरहाल इसमें डिफ़ॉल्ट का लास्ट पेपर में नहीं था, तो सही ऑप्शन थी 1 1638। फंक्शन कॉल जो फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है ना, मेमोरी इनटू पार्ट्स, मेमोरी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन या फ्रेम। ठीक हो गया, 100 का स्केयर क्या था, 100 का स्केयर था इस बहुत ही आसान सवाल था 10,000, 100 का स्केयर था 10,000। टेस्टिंग इंडिपेंडेंट मेड्यूल टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट मेड्यूल टेस्ट करते हैं उस टेस्टिंग को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उस टेस्टिंग को कहा जाता है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था इस पेपर में, हॉफमैन कोडिंग क्या होती है, हॉफमैन कोडिंग इज़ अ स्मॉल मेमोरी साइज इज़ यूज फॉर फ्रिक्वेंटली अकरिंग करेक्टर, जो फ्रिक्वेंटली अकरिंग करेक्टर होते हैं उसके लिए स्मॉल मेमोरी साइज यूज होती है, किसमें, हॉफमैन कोडिंग के अंदर। और अगला क्वेश्चन था इंट एरे, एरे एक दी गई थी जिसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू थी 4 5 6 7, इसमें अगला सवाल था इंट पॉइंटर इज इक्वल टू एरे प्लस वन, एरे प्लस वन पॉइंटर, तो पॉइंटर के इनपुट में क्या जवाब आता था, आउटपुट में अगर सी आउट पॉइंट करते तो सी आउट पॉइंटर हमारे पास आना था, सवाल में ये लिखा हुआ था सी आउट पॉइंटर डायरेक्ट पॉइंटर, तो आउटपुट क्या आती, तो इसकी आउटपुट आनी थी 5 5 इसके आउटपुट थी। ठीक हो गया, वायर शार्क इज़ यूज टू कंट्रोल ऑफ नेटवर्क, वायर शार्क कौन सा नेटवर्क को कंट्रोल करता है, वायर्ड वायरलेस बोथ, तो ये बोथ नेटवर्क को कंट्रोल करता है वायर शार्क, वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। ठीक हो गया, इफ बोथ इनपुट आर सेट इन एक्स और देन रिजल्ट विल बी नॉट सेट, एक्स और एक्स ओ आर जो गेट होता है इसके अंदर दोनों इनपुट सेट हों तो रिजल्ट नॉन सेट आएगा, इसका मतलब है अगर दोनों इनपुट अगर 1 1 हो तो 0 आता है, अगर 0 0 हो तो भी 0 ही आएगा। ठीक हो गया, डेड लॉक इज़ नॉट प्रिवेंशन इज टेक्निक, डेड लॉक इज इसका सही ऑप्शन था, डेड लॉक किस से प्रिवेंशन टेक्निक कौन सी, डेड लॉक इज नॉट पॉसिबल टू हैंडल डेड लॉक, डेड लॉक खुद को हैंडल नहीं कर सकता, जब अक्कर हो जाता है फिर ही इसको हैंडल करना होता है।
विच कंट्री लॉन्च अ न्यू गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट कॉल्ड वुहाई? वुहाई एक मिसाइल लॉन्च किया था, तो किस मुल्क ने किया था? इसका आंसर था चाइना। चाइना ने ये मोबाइल मिसाइल लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन था, कुरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करनी थी इंट एम एस सैलरी 10,000, इसमें कोमा आ गया था इसलिए ये गलत थी, तो पहली ए वाली ऑप्शन सही थी। अगला क्वेश्चन था, अब्दुल कलाम इशू अल हिलाल 13 जुलाई 1912 में। अल हिलाल एक न्यूज़पेपर था जिसको अब्दुल कलाम ने इशू किया था, कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन आया था, ऑल स्टेट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान मर्ज ऑन 1955 में, तमाम पाकिस्तान की जो प्रोविंस थे मर्ज किए गए थे, कब? 1955 में। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस कहाँ पर है? ये ग्रीस में है, ये सवाल भी आया था। अगला क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था, 8 ए स्केयर प्लस 13 ए स्केयर, इन दोनों को प्लस करना था, तो इसका सही आंसर था 21 ए स्केयर। अगला क्वेश्चन था, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम मॉल, ब्यूटीफुल इसमें क्या था? एडजेक्टिव था। करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस अडॉप्टेड इन 1958 इज कॉल्ड, जो 1958 में फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना आइन अडॉप्ट किया था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही थी। हाइएस्ट पीक ऑफ को हिंदुकश, को हिंदुकश के हाइएस्ट पीक का क्या नाम था? तुर्चमीर था। वन टू मैनी रिलेशनशिप इन डेटा बेस में मैनी साइड को क्या कह देते हैं? चाइल्ड कहा जाता है। विच इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा सिमेट्री है? वेयर अरेंजिंग इन अ ट्री इज स्टार्ट, अरेंजिंग ट्री किस में स्टार्ट होती है? तो अरेंजिंग को ट्री को अगर अरेंज करें तो रूट सबसे पहले आता है, ठीक है, रूट से स्टार्ट होती है। इन लेवल अरेंजिंग हायर नोड बिकम, इन लेवल अगर अरेंजिंग हो तो हायर नोड कौन सी होगी? रूट नोड, राइट नोड कहलाएगी। ऑल डाटा बेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन विच यूज इन डाटा बेस सिस्टम, तमाम जो डाटा बेस इंफॉर्मेशन होती हैं कहाँ, किस में स्टोर होती हैं? डाटा रिपोजिटरी में स्टोर होती हैं, ठीक हो गया, डाटा रिपोजिटरी। फॉर अपडेट इंफॉर्मेशन इन डाटा बेस लैंग्वेज इज यूज, इंफॉर्मेशन को अपडेट इस तरह का क्वेश्चन आया था, यानी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मिलती जुलती है। ऑपरेशन फॉर अपडेट ऑपरेशन इन डाटा बेस विच लैंग्वेज इज यूज, यानी कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है अपडेट के लिए? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी अपडेट के लिए। URL कंसिस्ट हाउ मेनी पार्ट्स, URL कितने हिस्से होते हैं? 5 पार्ट्स, ये क्वेश्चन भी आया था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, इन पोस्टफिक्स नोटेशन एवरी ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी प्रीवियस ऑपरेंड्स, पोस्टफिक्स में कितने ऑपरेटर्स कितने ऑपरेंड्स को शो करता है? 2 ऑपरेंड्स को शो करता था। जो दी राइट स्टेटमेंट, इसमें राइट स्टेटमेंट बनी थी, रिपीटर इज अ मोर कम्प्लेक्स देन ब्रिज, रिपीटर जो है ब्रिज से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इन सी प्लस प्लस क्लास ए इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास बी देन इट इज़ नोन एज, तो इसका सही ऑप्शन था क्लास फ्रेंड क्लास जो होती है एक्सेस कर सकती है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेम्बर को ऑफ क्लास ए। हाउ मच यूनियन ऑपरेशन टेक्स पैरामीटर ऑन डिस्जॉइंट सेट, डिस्जॉइंट सेट में यूनियन कितने पैरामीटर लेगा? 2, यानी वो पैरामीटर लेगा 2, वो कोई ना कोई टेबल्स लेगा उसको यूनियन करके 1 बना देगा। विच इज़ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट कौन सी है? यानी सिंगली और डबली लिंक लिस्ट दोनों सर्कुलर लिंक लिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन आया था, डिवाइड मेमरी, मेमरी को डिवाइड करना फिक्स ब्लॉक में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेजिंग कहा जाता है, अगर मेमरी को हम फिक्स ब्लॉक के अंदर डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री इज एग्जांपल ऑफ, फैक्ट्री किसकी मिसाल है? क्लास की, यानी रियल लाइफ में फैक्ट्री जो है क्लास कहलाएगी। आ टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग मेमोरी इनटू स्मॉल सेगमेंट इज कॉल्ड, छोटे छोटे सेगमेंट को डिवाइड करना उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, अगर फिक्स साइज का कहते तो हम उसको पेजिंग कहते हैं। ईमेल फास्ट सेंड थ्रू विच सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क सिस्टम में ईमेल फास्टली सेंड होती है। कर्नल किस चीज़ को मैनेज करता है? कर्नल कैशिंग मेमोरी को मैनेज करता है। इतने क्वेश्चन थे, मतलब ये पेपर में आए थे जो मोस्टली मुझे रिमेंबर थे, आपसे शेयर कर दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, थैंक्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।